हेरा फेरी वाले श्याम ने कही ऐसी बात कि हो गए सब हक्के बक्के। राजू के जिगरी यार ने अब बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को लेकर खोल दी सारी पोल पट्टी। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सब अब हो गए हैं सेल्फिश, ये भी सुनील ने साफ कर दिया है। कोई किसी को बचाने में बिलीव नहीं रखता, बस सब एक दूसरे को गड्ढे में गिराने को है तैयार। जी हाँ, सुनील शेट्टी और संजय दत्त जल्दी ही स्टार वर्सेस फूड सर्वाइवल के पहले एपिसोड में नजर आने वाले हैं, जिसकी खूब चर्चा शुरू हो रखी है। इस शो को शेफ रणवीर बरार होस्ट करेंगे। शो का पहला एपिसोड 9 अक्टूबर को रिलीज होगा। सुनील ने हाल ही में इस शो को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और साथ ही ये भी बता दिया कि इंडस्ट्री में अब कैसा हाल हो गया है। उन्होंने सबकी बखिया उधेड़ दी है। उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्री में एकता खत्म हो गई है। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने पहले तो संजय दत्त के साथ अपने बॉन्ड पर खुलकर बात की है और बताई है कि कैसे यूनिटी में रहना अच्छा रहता है। देखिए, एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम एक शानदार कॉम्बिनेशन है। संजय दत्त के साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आता है। हम दोनों की राशि लियो है और दोनों ही नेचर लवर हैं। मुझे लगता है कि हमने साथ में एक खूबसूरत वक्त बिताया है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अन्ना का टाइटल मुझे संजय दत्त ने ही दी थी। हम कांटे की शूटिंग कर रहे थे, तब मेरा स्टाफ मुझे बड़े भाई की तरह अन्ना कहकर बुलाता था। संजय ने भी मुझे अन्ना कहना तब शुरू कर दिया था। इसके बाद सुनील यही नहीं थमे, उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है कि जब 9/11 हुआ था तब हम लॉस एंजलिस पहुँचे ही थे। हमें यूनिट के करीब रहना था, बाहर नहीं निकलना था। उस वक्त ये कठिन समय था, तब हमें अलग तरह से देखा जाता था। उस मुश्किल समय में हम साथ रहे और एक दूसरे की ताकत बने रहे। और तो और, अपने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए सुनील ने बताया, हम साथ में खाना खाते थे और हमने बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरी बनाई है। संजय दत्त के साथ मेरा बॉन्ड बेहद स्पेशल रहा है। हम एक दूसरे की लाइफ के भी हिस्सा हैं और आज भी साथ हैं। हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है। फिल्म इंडस्ट्री में पुराने दौर की तुलना करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, पहले के वक्त में मैगजीन पढ़ने वालों को ये पता होगा कि एक्टर्स अक्सर ब्रेक के दौरान एक साथ टाइम स्पेंड करके कई सारी चीजों पर बात किया करते थे, लेकिन आज एक्टर शूटिंग करने के बाद फौरन अपनी वैनिटी वैन के अंदर चले जाते हैं आराम करने। सुनील शेट्टी ने कहा, यही वजह है कि लोग आज इंडस्ट्री में वननेस की भावना रखते हैं। इंडस्ट्री के पास कोई अपनी आवाज नहीं है, कोई भी बकवास के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। लोग हमारे खिलाफ उंगलियां उठाते हैं। वो बॉन्ड, वो एकता अब गायब हो गई है। हर चीज कमजोर हो रही है, क्योंकि अब एक दूसरे का बचाव करने वाला कोई नहीं है। सुनील ने आगे कहा, लेकिन वक्त के साथ हम एक बार फिर वापस आ रहे हैं। तमाम बायकॉट ट्रेंड्स के बाद मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा हो। आज की जनरेशन अलग चलती है, अलग सोचती है, क्योंकि उनकी एजेंसी उनसे कहती है कि वो तभी स्टार बनेंगे जब अकेले होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री आपकी फैमिली है और आपको उनके साथ परिवार की तरह ही पेश आना होगा। पहले हम एक यूनियन के साथ रहते थे, एक एसोसिएशन के तौर पर काम किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि हमारी यूनिटी वापस आ जाएगी। कुल मिलाकर सुनील शेट्टी को आज की जनरेशन को लेकर अलग रहने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो यही चाहते हैं कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ रहे, उनमें यूनिटी नजर आए, ताकि जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए साथ में लड़ा जा सके। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।